वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज की पहली पहेली आपके सामने है। एक वैम्पायर एक केव में फंस जाता है। वो वहाँ से निकलना चाहता है। उसको वहाँ से निकलने के लिए तीन दरवाजे दिखते हैं। तीनों दरवाज़ों में अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। पहले कमरे में मोशन सेंसर लगे हुए हैं। अगर कमरे में कुछ भी हिला डुला या चला तो सेंसर ऑन हो जाएगा और कमरे में आग ही आग होगा, जिससे कि वैम्पायर मर सकता है। दूसरे कमरे में साउंड सेंसर लगे हुए हैं। अगर उस कमरे में जरा भी आवाज़ आई तो सेंसर ऑन हो जाएंगे और कमरे में आग ही आग होगा, जिससे वैम्पायर मर सकता है। तीसरे कमरे में टेम्परेचर सेंसर है। अगर वैम्पायर का टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा तो वो सेंस कर लेगा और कमरे का सेंसर ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से कमरे में आग ही आग होगा और वैम्पायर मर सकता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि तीनों दरवाजे में से कौन सा दरवाज़ा सेफ रहेगा, जिससे कि वैम्पायर जिंदा केव से बाहर जा सकता है? तो दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर, सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, आपने आंसर सोच लिया होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया होगा। अब चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। वैम्पायर जो है वो तीसरा दरवाज़ा चुनेगा, क्योंकि वैम्पायर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका खून ठंडा होता है, इसलिए वो तीसरा दरवाज़ा ही चुनेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी है पहेली, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के मज़ेदार और जासूसी पहेलियों के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलते हैं अपने अगले पहेली की तरफ। तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। क्या आप इस पिक्चर को देखकर लड़की का नाम बता सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इस पजल का आंसर सोच सकते हैं। तो अगर आप आंसर सोच पाते हैं या आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सोचिए और बताइए। तो चलिए दोस्तों, आपको इस पजल का आंसर बताते हैं। तो जो सबसे पहले पिक्चर है वो वन है, प्लस में जो बीच में पिक्चर है उसको हिंदी में सिक्का बोलते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़कर नाम सोचते हैं तो उन नाम बनेगा वन सिक्का। दोस्तों, अगर हम लड़के के नाम की बात करें तो जो लड़के का नाम आएगा वह आएगा वन सिक्का। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहेली पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपने अगली पहेली की तरफ। ए की बीवी बी, बी की भाभी सी, सी की बेटी वी, वी के दादा जी, जी की बीवी के की बेटी टी। तो बताइए, ए और टी का रिश्ता क्या हुआ आपस में? क्या आप बता सकते हैं कि इनका आपस में रिश्ता क्या है? तो सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि ए और टी का आपस में क्या रिश्ता है? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ए की बीवी बी, बी की भाभी सी, यानी कि सी ए की सरहज हुई। टी की बेटी वी, यानी कि ए वी का फूफा हुआ। अब वी के दादा जी, यानी कि ए जी का दामाद हुआ। ऐसे ही जी की बीवी के, यानी कि ए की सास के हुई। के की बेटी टी, यानी कि ए टी का जीजा हुआ। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ए और टी का आपस में क्या रिश्ता है, यानी कि जीजा साली का रिश्ता है। अब चलते हैं अगले पहेली की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आपका मेमोरी टेस्ट लेते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर से जुड़ा मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, इसलिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, अगर आपने पिक्चर को ध्यान से देखा तो नीचे दिए गए तीन पिक्चर्स को ऊपर तीन बॉक्सेस में प्लेस करने हैं,
जिस क्रम में आपने इस पिक्चर में देखा होगा। तो क्या आपको याद रहा कि वो किस क्रम में थे? आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस और नो कमेंट कर सकते हैं। तो सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, क्या आपको याद रहा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कीजिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से बॉक्स में कौन सा पिक्चर आएगा। तो अगर आपने पिक्चर को ध्यान से देखा होगा तो सबसे पहले क्रॉस का सिंबल था, फिर राउंड, और उसके बाद ओवल यानी कि अंडे का शेप का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज के पजल पसंद आए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो के अपडेट्स देखने को मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।